फिल्मों में गैंगस्टरों की कहानियां अक्सर आपने देखी होंगी, बिल्कुल उसी अंदाज में ये कहानियां पंजाब में सच में देखने को मिलते हैं। गैंग वॉर, ये वॉर होती है खुद को नंबर वन साबित करने की। पंजाब में वैसे तो कई गैंग हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, देवेंदर बम्बीहा और जग्गू भगवानपुरिया, इन तीनों की गैंग की पंजाब के अंदर अच्छी खासी दहशत है। पिछले दो दशक में ये गैंगस्टर्स अपने नेटवर्किंग को विदेशों तक फैला चुके हैं। अपने काले धंधों से वैसे तो पंजाब के ये सभी गैंगस्टर करोड़ों के मालिक बन चुके हैं, लेकिन इन सब गैंगस्टर्स में सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है जग्गू भगवानपुरिया को। तो जग्गू भगवानपुरिया कौन है, अपराध की दुनिया में कैसे आया और क्यों उसे कहा जाता है पंजाब का नंबर वन गैंगस्टर अमीरी के मामले में, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की कहानियां। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को ना तो बढ़ावा देना है, ना ही समर्थन करना, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जग्गू भगवानपुरिया पंजाब के गुरदासपुर के भगवानपुर गांव का रहने वाला है। पैदा हुआ तो माँ बाप ने नाम दिया जसप्रीत सिंह, कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी, लेकिन मन लगा जरायम की दुनिया में। जैसे जैसे बड़ा हुआ जुर्म की दुनिया से जुड़ने लगा और फिर अपना नाम बदल कर रख लिया जग्गू भगवानपुरिया। अपने गांव के नाम भगवानपुर से अपना नाम जोड़कर गैंगस्टर की दुनिया में कदम रखा। गुर्रे नाम के पंजाब के एक गैंगस्टर से हाथ मिलाकर उसने काम शुरू किया। छोटी मोटी लूटपाट, मारपीट, वसूली जैसे कामों को करते हुए वो लगातार आगे बढ़ता रहा। इसके बाद जग्गू ने पैसे लेकर हत्याएं करवानी शुरू कर दी, यानी दूसरों के नाम की सुपारी लेकर वो हत्याएं करवाता। इस काम में उसे खूब पैसा मिलने लगा। जग्गू भगवानपुरिया ने अपनी नेटवर्किंग भी शुरू कर दी थी। अब पंजाब के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश तक भी जग्गू के कनेक्शन जुड़ने लगे। जग्गू भगवानपुरिया का मकसद था ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना। उसके गैंग में कई शार्प शूटर शामिल हो चुके थे। वो पैसों के लिए किसी की भी हत्या करवा सकता था। सुपारी किलिंग के बाद जग्गू ने हथियार सप्लाई करने में भी अपना हाथ आजमाया। जग्गू भगवानपुरिया बॉर्डर पार से भी हथियार सप्लाई कर देश में लाने लगा और दूसरे गैंगस्टर्स को महंगे दामों में बेचने लगा। इस काम में उसे मोटी कमाई होने लगी। नॉर्थ इंडिया में हजारों के नेटवर्किंग का सबसे बड़ा कारोबार जग्गू भगवानपुरिया का है। कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी हथियार जग्गू भगवानपुरिया ही सप्लाई करता था। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी हथियार सप्लाई करने से लेकर वाहन मुहैया करवाने तक के हर काम में जग्गू भगवानपुरिया के गैंग का हाथ था। खबरों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जग्गू भगवानपुरिया मॉडर्न हथियार सप्लाई करवाता था, लेकिन बदले में हर हथियार के कम से कम 5 लाख रुपए लिए जाते थे, जो काफी ज्यादा रकम कही जाती है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद हथियारों के पैसे को लेकर दोनों गैंग में लड़ाइयां शुरू हुई। लॉरेंस बिश्नोई को यह शक हो चुका था कि जग्गू भगवानपुरिया पैसों के लिए उनके विरोधी गैंग को भी हथियार सप्लाई करता है। इसके अलावा जग्गू भगवानपुरिया नशे का भी कारोबार करता है। पंजाब में हर इलाके में ड्रग्स सप्लाई करने में जग्गू के गैंग का रोल सबसे बड़ा है, जबकि लॉरेंस गैंग इसके खिलाफ है। ये भी एक बड़ी वजह थी दोनों के बीच टकराव की। यहाँ तक कि लॉरेंस के साथी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने जब पंजाब में तरन तारण की गोइंदवाल जेल में हुई 2 हत्याओं की जिम्मेदारी ली, तो उस पोस्ट में जग्गू भगवानपुरिया के नशे के कारोबार का जिक्र किया। नशे के कारोबार से जग्गू करोड़ों रुपए कमा चुका है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जग्गू सालों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और वहीं जेल के अंदर से ये सारी नेटवर्किंग कर रहा है। उसके शूटर पूरे देश में फैले हुए हैं। जेल के अंदर रहकर वो बड़े बड़े हथियारों का जखीरा मंगवाता है, जेल के अंदर से सुपारी किलिंग करवाता है और तिहाड़ की चारदीवारी से ही होता है ड्रग्स सप्लाई करने का पूरा कारोबार। इस गैंगस्टर की संपत्ति अरबों रुपए की बताई जाती है। चंद सालों में ये पंजाब का सबसे अमीर गैंगस्टर बन चुका है। पंजाब के गुरदासपुर के एक छोटे से गांव का साधारण लड़का खुद को जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह मानता है। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया पर 150 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके कई बड़े नेताओं से भी कनेक्शन बताए जाते हैं। कहा जाता है कि नेताओं के कनेक्शन के बलबूते पर ही वो जेल में रहकर भी बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे रहा है।